हेलो गाइस, आज की दुनिया में जब फिटनेस और न्यूट्रिशन बहुत अहमियत रखता है, एक न्यूज आती है जो हमारे डाइटरी चॉइसेस के फाउंडेशन को हिला कर रख देती है। पर वाकई में इस न्यूज में कोई सच्चाई भी है या अगेन ये है एक मिथ जो आज हम बस्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए। वेलकम ट्रांसफॉर्म फिट फैमिली, मैं हूँ अजय कासार और आज हम बात करेंगे उस न्यूज के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों से तहलका मचा के रखा है। सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, हर जगह इसके चर्चे हैं। 70% ऑफ इंडियन प्रोटीन इज मिसलेबल्ड। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ही वीडियोस मैंने देखे जहां पे उन लोगों ने एफर्ट लिए हैं, इस रिसर्च को पढ़ा है और सबके सामने रखे है, अदरवाइज हर कोई नेगेटिविटी को फैला रहा है बिना रिसर्च को पढ़े ना समझे। एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ रिसर्चर, मैंने इस रिसर्च को थरोली पढ़ा है, समझा है और जो फाइंडिंग्स मुझे मिली है मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे, तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट का नाम है सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट, जो डॉक्टर एबे फिलिप्स की टीम ने कंडक्ट किया है। अब इसका प्रोसीजर क्या उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने 2 महीने तक टॉप 36 ब्रांड जो इंडिया में कंज्यूम होते हैं उनकी लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने इन प्रोटीन्स को मंगाया आइदर फ्रॉम दी कंपनीज वेबसाइट या फिर उनके जो रजिस्टर्ड वेंडर्स थे उनसे। जब ये प्रोटीन उनके पास आए, उन्होंने उनको कोडिंग करी, फिर उन्होंने उनके लेबल्स हटा दिए ताकि ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए भेज सके। फिर उन्होंने इन प्रोटीन सैंपल्स को भेजा FSSAI की लेबोरेटरीज में और जो फाइंडिंग्स आई है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जो आपने अब तक बहुत बार देख चुके हो। सब इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियोज बनाए हैं। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सिर्फ गिने चुने ऐसे वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे लोगों ने रिसर्च पढ़ने की एफर्ट लिए है और कुछ सेंसिबल बात कही अपने वीडियोस में। अब इन 36 प्रोटीन्स में थे एग्जैक्टली 18 वे प्रोटीन्स, 14 ब्लेंडेड प्रोटीन्स और 4 प्लांट बेस्ड प्रोटीन। उसी के साथ इसके अंदर 56% इंडियन ब्रांड्स थे और जो बचे हुए 44% थे वो मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स थे। अब हम करते हैं बात कुछ फैक्ट्स की। स्क्रीन पे देख सकते हो जो प्रोटीन्स में ज्यादा मात्रा पाई गई है प्रोटीन की देन कंपेयर टू दी लेबल्ड, वो है 11 ऐसे प्रोटीन ब्रांड है जिसमें और 36 जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाया गया है, दैट इज 30%। अब रिसर्च में भी उन्होंने कहा है कि इसकी वजह हो सकती है कि उन्होंने बेटर सोर्स यूज किया होगा या वो अपनी पैकिंग की होगी, बट सिंस उन्होंने आगे टेस्टिंग नहीं की है वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, इसीलिए इस बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब जो लेस देन लेबल्ड ब्रांड्स है वो मात्रा है 25 ऐसे प्रोटीन ब्रांड्स है आउट ऑफ 36, दैट इज 70% जिसमें प्रोटीन कम पाया गया है देन जो लेबल्ड है। और इसी बात की न्यूज बनी है कि 70% ऑफ इंडियन प्रोटीन्स आर मिसलेबल्ड। अब ये क्यों रॉन्ग है ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जब भी कोई रिसर्च होता है तब कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर टेस्टिंग जब करते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, कुछ एक टॉलरेंस लिमिट होती है प्लस और माइनस, जिसके अंदर अगर रिजल्ट आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। अब जब हम प्रोटीन टेस्टिंग की बात करते हैं, वहाँ पे भी जब नाइट्रोजन बेस्ड टेस्टिंग होती है वहाँ पे भी 10-15% एक ऐसा टॉलरेंस लिमिट है, इसके अंदर अगर रिजल्ट आते हैं तो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब इस रिसर्च में समहाउ ये फिगर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, उनको उन्होंने कंसिडर किया ही नहीं है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने ये एडिशनल कॉलम डाला है जहां पे अगर हम 10-15% का जो डिफरेंस अलाउड है वो कंसिडर करें तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 ऐसे प्रोटीन्स है जहां पे वो इस रेंज के बाहर है, जहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब उसमें भी आप देखोगे तो
दो प्रोटीन तो एक ही कंपनी से है, उस पर मैं बात करूंगा ही नहीं, बहुत लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है इस बारे में। तो सरप्राइजिंगली ये जो नंबर आता है गाइस वो 8% है, कहाँ 70%, कहाँ 8%। अब यही तो प्रॉब्लम है इस रिसर्च के बेसिस पे जो न्यूज बनाई गई है अब तक, जो नेगेटिविटी फैलाई गई है अब तक प्रोटीन के बारे में, इंडियन प्रोटीन के बारे में, वो कितनी गलत है। सिर्फ 8% ऑफ द सैंपल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो बताया जा रहा है 70% ऑफ इंडियन प्रोटीन मिसलेबल, वो भी गलत है। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तब हमें सैंपल, ऑब्वियसली हम सैंपल पे स्टडी करते हैं और इन्फर करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, बट रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको इन्फर करना है पॉपुलेशन के ऊपर, आपका सैंपल सिग्निफिकेंट होना चाहिए और वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन को। अब इस स्टडी में देखिए दिक्कत क्या है, इस स्टडी में अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल प्रोटीन ब्रांड और उनके वेरिएंट जो अवेलेबल है वो हजारों में है और इन्होंने सैंपल लिया है सिर्फ 36 का, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसीलिए जो फाइंडिंग्स आएंगी वो हम इन्फर नहीं कर सकते हैं पूरे इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर। तो अगर इस स्टडी के बेसिस पे वो ये भी कहते कि 70% ऑफ द सैंपल प्रोटीन आर मिसलेबल फिर भी ठीक होता, पर एज आई सेड वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है टेस्टिंग का वही फॉलो नहीं किया और उन्होंने जो अलाउड परमिसिबल रेंज है डिविएशन की वही कंसिडर नहीं की और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि 70% ऑफ इंडियन प्रोटीन आर मिसलेबल। अब यह आंकड़ा आ चुका है 8% पे, तो 8% ऑफ द सैंपल इज मिसलेबल, लेकिन वो भी इंडिया के पे लागू नहीं होगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस रिसर्च में। अब ये जानबूझ के की गई है या एक बहुत ही सिंपल मिस्टेक है ये मैं नहीं जानता, आप समझदार हो, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आप ही आप खुद समझ सकते हो। अब आते दूसरे मुद्दे पे, इस रिसर्च के फाइंडिंग्स में ये भी कहा गया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोटीन है वो बेटर परफॉर्म करते हैं इंडियन प्रोटीन ब्रांड से और वहां कंटेमिनेशन के प्रॉब्लम्स कम होंगे। अगेन ये भी रिसर्च सिग्निफिकेंटली प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि एज आई सेड जो 8% भी आया है, जो तीन प्रोटीन ब्रांड्स आए हैं वो तीन है और 36, और वो भी हम पूरे इंडियन प्रोटीन्स की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ कैन दे सिग्निफाई कि जो मल्टीनेशनल प्रोटीन ब्रांड्स है वो बेटर परफॉर्म करेंगे इंडियन ब्रांड से, वो भी गलत है। और इसीलिए मेरी शक की सुई जाती है एक बात पे, ये रिसर्च क्लेम करता है कि ये सेल्फ फंडेड है, बट इज इट रियली सेल्फ फंडेड? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके पीछे फंडिंग हो सकती है उन्हीं मल्टीनेशनल ब्रांड्स की जिनका नुकसान हुआ है कुछ पिछले दस सालों में? देखिए गाइस, 10 सालों में इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स बहुत से उभरे हैं और उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है आम जनता को, क्योंकि 10 साल पहले मुझे याद है सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोटीन आते थे, अब वो सिर्फ इम्पोर्ट होते थे, उनका मिलना बहुत मुश्किल था, तब तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये भी इतने अवेलेबल नहीं थे। अब इसीलिए जो ग्रे मार्केट है जहाँ पे डुप्लीकेट सी बहुत ज़्यादा इसमें थी, अब जब ये 10 सालों में ग्रोथ हुई है इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स की, न्यूट्रिशन ब्रांड्स की, उससे बेनिफिट हमारा हुआ है, एक आम जनता का हुआ है। रीजन बिंग अब ये आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कंपनीज की वेबसाइट से, एंड उसके ऊपर आपका जो कोड होता है वो वेरीफाई भी कर देता है कि आपका जो प्रोटीन आप खा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अब आउटलायर्स तो होते हैं, जो अब यहाँ दिखाया है कुछ तीन प्रोटीन ब्रांड्स है, वैसे तो मिलेंगे बट वो इजी है आइडेंटिफाई करना, और जो डुप्लीकेसी का चांसेस है बहुत कम हो गए अभी। अब इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है ये मल्टीनेशनल कंपनीज को ही हुआ है, बिकॉज उनका जो लॉस हो रहा है वो सिग्निफिकेंट है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन्होंने ही इस रिसर्च को फंड किया होगा, या रिसर्च को फंड नहीं किया तो ये रिसर्च को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो फाइंडिंग्स को प्रॉपरली बताया नहीं जा रहा, क्या वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक डायरेक्ट अटैक है इंडियन ब्रांड्स के ऊपर जस्ट टू मेक देयर मार्केट ओपन? अगेन ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा परसेप्शन है, आप क्या सोचते हो इस बारे में आप मुझे जरूर लिख के बताइए। आई वुड रियली लाइक टू नो, कमेंट्स पे आपकी राय लिखिए, और एट द सेम टाइम आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर तो जरूर कीजिए, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत फैला ली, ये पर्सपेक्टिव, ये सच्चाई भी लोगों के सामने आनी चाहिए और ये आप ला सकते हो, तो इसे शेयर जरूर करिए एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए और ऐसे वीडियोज में बनाते रहूँ, तो इसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। गाइज मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।